शंकर जी ने देखा साक्षात प्रभु पधारे हमारी कुटिया में। भगवान आदेश, कैसे आगमन हुआ? राम जी ने कहा कि हमें आपको कथा सुनानी है। आप कथा सुनाएंगे? जी, कथा सुनाने के लिए हम आए हैं। शंकर जी बोले, तो आप कथावाचक कब से हो गए? आप कब से कथावाचक? भगवान ने कहा कि मैं कथावाचक तो बहुत पहले से हूं। कब से? बोले कि जब से जन्म लिया ना, उसी समय भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माँ ने उसी समय कहा कि मुझे सब बताइए, तो कही कथा सुहाई माँ तो बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लय। कथा तो हमने बचपन से ही शुरू कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो आप कथा सुनाइए सुनाइए, और तो कोई है नहीं, हम अकेले। कोई बात नहीं, आप अकेले सुनिए, आप एक ही जो है 1 करोड़ के बराबर है। राम जी ने कथा शुरू कर दी है। आहा, शुरू किया है, जब ते उमा शैल गृह जाई, पूरी कथा सुना दी। और ये कहा कि ऐसी साध्वी है, आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कथा किसी साधु की नहीं है, ये कथा साध्वी की है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ महाराज, बड़ी दिव्य है, ऐसी तपस्या, मानो कि तपस्या ने ही साक्षात मूर्त रूप धारण कर लिया हो, आज हिमालय में बैठी हुई है। हाँ महाराज। शिव जी ने कहा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो आपकी क्या आज्ञा है? दर्शन कर लूं जाकर? बोले, दर्शन करने बाद में जाना, पहले मेरी दक्षिणा दो। शंकर जी ने कहा, दक्षिणा? बोले हाँ, कथा सुने दक्षिणा नहीं देंगे आप? बिना दक्षिणा कथा थोड़ी सुनाते। शंकर जी ने कहा कि अति पुनीत गिर जाके करनी कृपा निधि वरनी। विस्तार पूर्वक कृपा निधि ने वर्णन कर दिया। सुन करके शंकर जी बड़े खुश हुए। अब राम जी ने कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जौ मो पर निज ने जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दे। यानी कि राम जी के शिव जी के साथ में बीच में क्या रिश्ता है आपको मालूम है? दोनों के बीच आपस में, दोनों के बीच में क्या नाता है? दोनों कौन लगते हैं एक दूसरे के? कभी सोचा? भाई लगते हैं कि साढ़ू लगते हैं, क्या लगते हैं कि समधी लगते हैं? ये सब नहीं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, तीन नाता है, सेवक का नाता, स्वामी का नाता और मित्र का नाता है। कभी शंकर जी सेवक हैं, राम जी स्वामी हैं, तो राम जी सेवक हैं, शंकर जी स्वामी हैं, और कभी दोनों आपस में सखा हैं। इस दोहे में तीनों का दिग्दर्शन आप देखिए। पहले क्या कह रहे हैं? अब बिनती मम सुनहु शिव, जौ मो पर निज ने। ये सखा वाला भाव, यदि हमसे सच्चा प्रेम करते हैं आप, आदेश दिया, जाई विवाह शैल जही, आदेश
स्वामी बन गए, राम जी स्वामी हैं, शंकर जी सेवक हैं, आदेश दिया जाइए जाकर शैलजा के साथ विवाह कर लीजिए। फिर तुरंत सेवक बन गए। यह मोहि मांगे देवो, मैं आपसे मांग रहा हूं हाथ जोड़ करके कृपा करके दीजिए। तुरंत सेवक बन गए। एक ही दोहे में तीनों भाव के दर्शन करिए आप। मित्रता का भी भाव रख दिया, जो मो पर निज नेहू, यदि सच्चा स्नेह है, सखा वाला स्नेह है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। आदेश दिया जाकर के विवाह करिए शैलजा से।